नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस में। अगर किसी भी व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है या फिर कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से वॉलंटरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहता है तो ऐसे में फाइनेंशियल ईयर 2019-20 या फिर मैं कहूँ असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए ड्यू डेट क्या रहेगी जब तक आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, कब तक आप फाइनेंशियल ईयर 2019-20 या फिर असेसमेंट ईयर 2020-21 के रिगार्डिंग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जनरली सभी व्यक्तियों के लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट होती है वो 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर होती है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक आप जो भी इनकम अर्न करते हैं, जो भी आप पैसा कमाते हैं फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में, उसका आप टैक्स पे करते हैं असेसमेंट ईयर 2020-21 में। तो इसका मतलब यह है कि 1-4-2020 से लेकर 31 मार्च 2021 जिसको कि असेसमेंट ईयर कहा जाता है, इसमें 31 जुलाई 2020 तक आपको क्या करनी होगी, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक आप जो भी इनकम अर्न करेंगे, जो भी पैसा कमाएंगे, उसके रिगार्डिंग आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे 31 जुलाई 2020 तक। हालांकि कुछ केसेस में यह जो 31 जुलाई 2020 की जो डेट है इसको 30 सितंबर 2020 किया गया है। वो केसेस कौन कौन से हैं अभी हम डिस्कस कर लेंगे। रिटर्न इज टू बी फाइल्ड इन जनरल अप टू 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर हमारा 2020-21 है, तो असेसमेंट ईयर का जो 31 जुलाई होगी वो हमारी क्या होगी, ड्यू डेट होगी। हाउ एवर इन द फॉलोइंग केसेज द लास्ट डेट शैल बी 30th of September ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो इन केसेज में हमें 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न फाइल करनी होगी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20। वो केसेज हैं, नंबर वन एवरी कंपनी एसएससी। तो कोई भी कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर लिमिटेड कंपनी है, वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकती है 30 सितंबर 2020 तक। फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20 एबीसी लिमिटेड हैज टू फाइल इट्स रिटर्न ऑफ इनकम अप टू 30th of September 2020। तो प्रीवियस ईयर मींस यहां पर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के रिगार्डिंग 30 सितंबर 2020 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जा सकती है बाय कंपनी एसएससी। ध्यान रखें, इंडिविजुअल के केस में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में, एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सभी के केसेस में जनरली नॉर्मली जो रेट है, डेट है, वो है 31 जुलाई 2020। लेकिन कंपनीज के केस में यह डेट 30 सितंबर 2020 हो जाती है। उसके बाद एनी अदर पर्सन, कोई भी अन्य व्यक्ति हु इज रिक्वायर्ड टू गेट्स हिज अकाउंट्स ऑडिटेड आइदर अंडर इनकम टैक्स एक्ट और अंडर एनी अदर एक्ट। तो कोई भी अन्य व्यक्ति, चाहे वो इंडिविजुअल हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, अगर उसको इनकम टैक्स लॉ के तहत या फिर किसी अन्य लॉ के तहत बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या कराने की जरूरत है, ऑडिट कराने की जरूरत है, तो ऐसे में इन व्यक्तियों के लिए जो डेट है वो रहेगी 30 सितंबर 2020। मिस्टर एक्स है, हिज ओन बिजनेस, उनका अपना बिजनेस है और उनकी टर्नओवर फॉर प्रीवियस ईयर 2019-20 इज रुपीज 102 लैक्स। तो यहां पर 1,02,00,000 रुपए उनकी टर्नओवर है। तो ऐसे में अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, अगर जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो ऐसे में उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट होती है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो इस केस में उनकी जो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट रहेगी वो 30 सितंबर 2020 रहेगी। मान लीजिए उनकी टर्नओवर 97 लाख रुपीज यहां पर रह जाती है, तो ऐसे में
इनकम टैक्स लॉ के तहत उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, तो वो अपनी रिटर्न 31 जुलाई 2020 तक फाइल करेंगे। मिस्टर एक्स हैज हिज ओन बिजनेस एंड हिज टर्नओवर फॉर प्रीवियस ईयर 1920 इज रुपीज 102 लाख। इन दिस केस द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी 30th of September 2020, क्योंकि उनको अपने बुक्स ऑफ ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है। बट इफ टर्नओवर इज रुपीज 97 लाख, द लास्ट डेट शैल बी 31st of July 2020। तो जिनको भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की जरूरत है, भले ही वो इनकम टैक्स एक्ट लॉ के तहत हो, भले ही किसी अन्य लॉ के तहत हो, किसी दूसरे लॉ की वजह से भी अगर ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में भी लास्ट डेट होगी 30 सितंबर 2020। उसके बाद वर्किंग पार्टनर ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। तो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, तो उनको अपनी पार्टनरशिप फर्म को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी 30 सितंबर 2020 तक। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म को बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसे में 31 जुलाई 2020 तक पार्टनरशिप फर्म को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। यहाँ पर कहा गया है कि कोई ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसकी बुक्स ऑफ ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, ऐसे में पार्टनरशिप फर्म के लिए तो 30 सितंबर 2020 ड्यू डेट रहेगी ही, साथ में जो वर्किंग पार्टनर है उस पार्टनरशिप फर्म के, उनके लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट होगी 30 सितंबर 2020। ध्यान रखें, यहाँ पर सिर्फ वर्किंग पार्टनर्स के रिगार्डिंग कहा गया है, नॉन वर्किंग पार्टनर्स के लिए जो ड्यू डेट होगी वो 31 जुलाई होगी। लेकिन अगर वर्किंग पार्टनर है और पार्टनरशिप फर्म को बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे में 30 सितंबर 2020 तक वर्किंग पार्टनर और साथ ही पार्टनरशिप फर्म दोनों को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। इफ़ ए पार्टनरशिप फर्म एक्स वाई हैज़ टर्नओवर ऑफ इट्स बिजनेस रुपीज 65 लाख रुपीज फॉर प्रीवियस ईयर 1920, तो जैसा कि जो टर्नओवर है वो 65 लाख रुपये है, 65 लाख रुपीज है, ऐसे में पार्टनरशिप फर्म को बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम विल बी 31st of July 2020। तो ध्यान रखें, 31 जुलाई 2020 तक कोई भी व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20, अगर मैं कहूँ असेसमेंट ईयर 2020-21। हालांकि इन केस ऑफ कंपनी, नंबर वन कंपनी, कोई कंपनी एसएससी है प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, या फिर कोई अदर पर्सन है जिसको ऑडिट की रिक्वायरमेंट है अंडर इनकम टैक्स या फिर अंडर एनी अदर लॉ, और तीसरा वर्किंग पार्टनर ऑफ ए फर्म जिसको ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट है। इन तीन केसेस में जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर 2020 होगी, अदरवाइज आप 31 जुलाई 2020 तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल करनी है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।